तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जी टेक प्रो हिंदी में। तो इस वीडियो में हम लोग जो है रियलमी वॉच 3 प्रो का अनबॉक्सिंग एंड फुल सेटअप करने वाले हैं। तो जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको पूरा सेटअप का प्रोसेस दिखाऊंगा, तो ऑब्वियसली वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं इस वीडियो में जो है रिव्यू पोर्सन जो है ऐड नहीं किया हूँ। ये वीडियो जब भी अपलोड होगा उसके नेक्स्ट दिन जो है आपको रिव्यू वीडियो भी मिल जाएगा। और बाय द वे एक चीज़ मैं और भी बता दूँ, ये यूनिट जो है ये फ्लिपकार्ट का सेल वाला यूनिट है, मतलब बिग बिलियन डेज वाला यूनिट है, जो मैंने सिर्फ जो है 4000 रुपए में फर्स्ट सेल में बाय किया था। फ्लिपकार्ट का जो अर्ली एक्सेस सेल होता है उधर मैंने बाय किया था, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा डील है। तो डायरेक्टली बॉक्स को खोलते हैं। तो ऑब्वियसली पहले ही मैंने खोल दिया था क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी होता है। तो फिलहाल बॉक्स में इतना कुछ दिखाने के लिए नहीं है, तो इसमें आपको स्टैंडर्ड सा ही एक जो है यूजर मैनुअल प्लस जो है वारंटी कार्ड दिया गया है। उसके साथ ही ऑब्वियसली आपको स्मार्ट वॉच भी देखने को मिल जाता है, एंड इसके साथ एक जो है चार्जिंग डॉक दिया गया है, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल स्मार्ट वॉचेस में आप देखते हैं कि चार्जिंग पोगो पिन दिया जाता है चार्जिंग के लिए, लेकिन इसमें चार्जिंग डॉक दिया गया है। लेकिन दोनों का ही काम सेम है, दोनों ही मैग्नेटिक पिन से जो है आपके स्मार्ट वॉच को चार्ज करते हैं। बाय द वे एक बार मैं अपना बिल भी दिखा देता हूँ, मुझे 3979 रुपीज़ का पड़ा है। एक्चुअली मैंने आर्ली एक्सिस जो फ्लिपकार्ट के प्लस मेंबर को मिल जाता है आर्ली एक्सिस बिग बिलियन डेज का, उसमें ही बाय किया था और मुझे इतना अच्छा प्राइस में देखने को मिला है। डायरेक्टली अभी जो है स्मार्ट वॉच के सेटअप के ऊपर जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम सेटअप करने के लिए ऑब्वियसली आपके स्मार्ट वॉच को आपको स्विच ऑन कर देना है, और स्विच ऑन करने के बाद जो है अभी जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे लैंग्वेज सेट करने के लिए पूछा है, तो अभी मैं इंग्लिश सेट करके ओके कर दूंगा। और इसके बाद पूरा काम जो है आपका स्मार्टफोन में ही है, मतलब अभी जैसे कि QR कोड दिखा रहा है, तो अभी हमको पेयरिंग के प्रोसेस पे जाना है, ठीक है। तो मेनली आपको क्या करना है ना, इसका जो Realme Link ऐप आता है उसको प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर देना है, एंड डाउनलोड करने के बाद आपको जो है इंटरनेट ऑन करके इसको ऐप को जो है ओपन कर देना है। तो मैं भी अभी ओपन कर देता हूँ। तो तुरंत अभी ओपन करने के बाद ये जो है कुछ एग्रीमेंट के लिए पूछा है, तो ऑब्वियसली हम लोग जो है एग्री एंड कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद लोकेशन हम लोग सेट करेंगे, तो ऑब्वियसली मैं इंडिया पर रहता हूँ तो इंडिया सेट करके मैं जो है डन कर दूंगा। तो अभी जैसे कि फाइनली हम लोग जो है ऐप के इंटरफेस पे पहुंच चुके हैं, तो अभी मैं गॉट इट क्लिक कर देता हूं, और इसी पे ही आपको राइट अपर कॉर्नर पे आपको एक जो है प्लस का सिंबल मिल जाएगा, तो उधर आपको जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऑब्वियसली ये साइन इन करने के लिए मांग रहा है, तो मैं अभी अपना जो है फ़ोन नंबर दे देता हूँ, हम लोग जो है OTP के थ्रू जो है लॉग इन कर लेंगे, ठीक है। तो फ़ोन नंबर देने के बाद ये कुछ ऐसा सा चीज़ दिखाता है, मतलब कन्फर्म या फिर वेरीफाई करने के लिए दिखा रहा है, तो मैं अभी वेरीफाई कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं। तो अभी ये सक्सेसफुली वेरिफिकेशन होने के बाद मुझे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन का पूछ रहा है, तो इधर मैं एग्री क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ऑब्वियसली मेरे फ़ोन पे एक OTP आ जाएगा, तो इधर आपको OTP जो है एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद ये कुछ ऐसा ऐसा दिखा रहा है, तो मैं येस पे क्लिक कर देता हूँ। एंड अभी जैसे कि ये मेरा एक एग्जिस्टिंग अकाउंट भी था, तो ये अभी मुझे जो है पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैं पासवर्ड अभी डाल के जो है वेरीफाई करवा देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने सक्सेसफुली साइन इन कर लिया है, तो फिर से मुझे वही प्लस साइन पे क्लिक करना है, और प्लस साइन पे क्लिक करने के बाद जैसे कि अभी मुझे जो है ब्लूटूथ का एक्सेस मांग रहा है, तो मैं दे देता हूँ। जो भी अभी मुझे परमिशन मांगेगा सब जो है मुझे ओके कर देना है, जैसे कि अभी कुछ परमिशन मांग रहा है तो आपको भी वही करना है। तो अभी क्या होता है ना, ये जो है ऑटोमेटिकली अगर आपका लोकेशन ब्लूटूथ इंटरनेट ऑन होता है फ़ोन का, तो ये ऑटोमेटिकली आपके वॉच के साथ पैरअप कर लेता है। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि अभी पैरअप कोड भी आ गया है, तो इधर सिंपली जो है आपको ब्लू टिक पे जो है क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएगा। लेकिन अगर आप मैनुअली पेयर करना चाहते हैं, तो अभी जो मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ वो आप मैनुअली पेयर कर सकते हैं उससे। तो पहले आपको क्या करना है ना, जैसे कि अभी लोकेशन एक्सेस मांग रहा है, तो मैंने इसको लोकेशन एक्सेस जो है दे दिया है, एंड उसके बाद मैं बैक जाऊंगा। अभी जैसे कि कुछ परमिशंस मांग रहा है, तो मैं उसे जो है ओके कर देता हूं। अभी जो है मुझे मोबाइल डाटा का परमिशन मांग रहा है, तो उसे मैं डन कर देता हूं। एंड उसके बाद मैनुअली मुझे अगर पैरअप करना है, तो मेरे को डायरेक्टली एक स्कैन का ऑप्शन मिल जाएगा, उधर मैं डायरेक्टली जाऊँगा। एंड जो है इधर जो कैमरा का एक्सेस भी मांग रहा है, उसको भी मैं ओके कर देता हूँ। एंड उसके बाद जो है मेनली आपको क्या करना है ना, आपको जो है अपने स्मार्ट वॉच का जो QR कोड होता है उसे सिर्फ जो है स्कैन कर देना है, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। तो स्कैन करने के बाद ये ऑटो जो है डिटेक्ट कर लेगा, एंड डिटेक्शन के बाद जो है आपको ऐसा एक जो है इंटरफेस दिखाएगा। तो
तो इधर से आपको सिंपली जो ब्लू टिक है उसको जो है क्लिक कर देना है, एंड क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएगा आपके स्मार्टफोन के साथ। एंड अभी जैसे कि ये एक ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है तो ब्लूटूथ कोड भी शेयर होगा, तो अभी भी आपको जो है ब्लू टिक करना है, उसके बाद जो है आपको पेयर क्लिक कर देना है अपने फ़ोन पे, ठीक है। तो दोनों पे ही नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको ऐसा कर देना है। उसके बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जैसे कि अभी मुझे जो है कुछ परमिशन मांग रहा है तो मैं इसे भी ओके कर देता हूँ, ठीक है। अभी जो भी आपको परमिशन मांगेगा, जैसे कि मेरे को बहुत सारा परमिशन अभी फ़ोन का एक्सेस वगैरह, कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस वगैरह मांग रहा है, तो मैं उसे भी डन कर देता हूँ। एंड अभी कुछ जो है ऐप सेटअप के लिए, मतलब नोटिफिकेशंस के लिए जो है मुझे एक्सेस मांग रहा है, तो मैं उसे भी जो है डन क्लिक कर देता हूँ। फिर उसके बाद जो है ये नोटिफिकेशन एक्सेस करने के लिए, जैसे कि ये जो भी आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आएगा सब कुछ स्मार्ट वॉच पे दिखाएगा, तो ऑब्वियसली इसको नोटिफिकेशन एक्सेस भी हमें जो है दे देना है। तो इधर आपको नीचे एक ब्लैंक स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करने के लिए दिखा रहा होगा, तो उधर आपको क्लिक करके ओके कर देना है, ठीक है। तो सिंपली आपको इधर से जो है बैक चला जाना है। तो अभी जैसे कि कॉलिंग का भी एक्सेस मांग रहा है, मतलब कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब कुछ एक्सेस मांग रहा है, तो मैं उसे जो है अलाउ कर देता हूँ। और किसी भी आपको परमिशन को डिनाई नहीं करना है, सबको अलाउ कर देना है। जैसे कि अभी फिर से लोकेशन का मांग रहा है, तो उसको भी मेरे को जो है अलाउ कर देना है। एंड सिंपली फ़ोन कॉल्स को भी मैं अलाउ कर देता हूँ, और अभी और एक मांग रहा है उसके भी मैं अलाउ कर देता हूँ। और सब कुछ अलाउ करने के बाद अभी जैसे कि एक सॉफ्टवेयर अपडेट भी मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं इसे भी जो है अपडेट कर देता हूँ। सिंपली आपको इधर जो है डाउनलोड पे क्लिक करना है, और ऑटोमेटिकली आपका स्मार्ट वॉच जो है फ़ोन के थ्रू जो है अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जैसे कि स्मार्ट वॉच अपडेट हो रहा है, तो मैं आपको थोड़ा जो है ऐप का वॉक थ्रू दे देता हूँ। तो सिंपली आपको सारा फीचर्स एक्सेस करने के लिए ऐप के थ्रू आपको जो है रियलमी वॉच 3 प्रो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। एंड इधर ही आपको पूरा वॉच का इंटरफेस वगैरह, कितना बैटरी परसेंटेज है, सब कुछ इधर ही दिखा देगा। एंड ठीक है, उसके नीचे ही मुझे फेस गैलरी का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके द्वारा मैं जो है वॉच फेसेस वगैरह एक्सेस कर सकता हूँ। एंड इधर मुझे जो है कस्टम वॉच फेसेस अगर सेट करना है, तो फोटोज़ पे मुझे जाना है। एंड इससे जो है मैं आसानी से अभी इधर से जो है अपना खुद का वॉलपेपर, या फिर खुद का फोटोज़ वगैरह, या फिर कोई भी कस्टम वॉच फेसेस जो है सेट कर सकता हूँ। एंड इधर ही आपको जो टाइमिंग का पोजीशंस वगैरह है, उसको भी चेंज करने का ऑप्शंस रेंडमली मिल जाता है। एंड उसके नीचे ही आपको जो फंड्स है, उसका कलर भी चेंज करने का बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाता है। तो एंड जब आप अपना कस्टम वॉच फेसेस जो है सेटअप कर लोगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको सिंक टू डिवाइस जो नीचे एक ऑप्शन होगा उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपके स्मार्ट वॉच पे अपना वॉच फेसेस जो है रह जाएगा, ठीक है। एंड इधर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि इधर आप नोटिफिकेशंस पे जाके जो है अपना कौन सा नोटिफिकेशंस आपको चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, जैसे कि व्हाट्सएप है, मैसेजिंग वगैरह है, जो जो आपको नोटिफिकेशंस वगैरह नहीं चाहिए, आप इधर से जो है डायरेक्टली टर्न ऑफ जो है कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यूट्यूब, जीमेल वगैरह एंड मैप्स वगैरह का नोटिफिकेशंस नहीं चाहिए, तो अभी मैं टर्न ऑफ कर देता हूँ। एंड आपको ऐप पे जो है वर्कआउट मोड्स भी सेट करने का ऑप्शंस मिल जाता है, जैसे कि इनबिल्ट पे बहुत ही कम वर्कआउट मोड दिया जाता है, लगभग 10-15 के आसपास ही इनबिल्ट पे आपको स्मार्ट वॉच के अंदर मिलता है। बाकी जो वर्कआउट मोड्स है वो आप जो है इधर से ही सेटअप कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको नहीं चाहिए आप उसे एक्सक्लूड करके कुछ नया वर्कआउट मोड्स जो है ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इधर से सिंपली आपको जो है प्लस पे क्लिक कर देना है, वो अपने आप ही ऐड हो जाएगा। बाकी सिंपली आप इधर से जो है हेल्थ रिमाइंडर पे क्लिक करके अपना हेल्थ रिमाइंडर वगैरह, या फिर जो हार्ट रेट रिमाइंडर होता है, या फिर जो अपना ड्रिंकिंग वाटर का रिमाइंडर होता है, वो सब कुछ जो है इधर से सेट कर सकते हो। सिंपली आपको अगर ड्रिंकिंग वाटर का रिमाइंडर सेट करना है, तो इसमें जो ड्रिंकिंग वाटर रिमाइंडर है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद जो है आपको इसमें टाइम सेट करने का, या फिर कितने इंटरवल पे आप जो है ड्रिंकिंग का रिमाइंडर चाहते हो, सब कुछ जो है इसके थ्रू जो है आप सेट कर सकते हो। एंड इधर आपको डायरेक्टली सॉफ्टवेयर अपडेट का भी ऑप्शन जो है देखने को मिल जाता है ऐप पे। इधर से एक क्लिक करके ही आप अपने स्मार्ट वॉच का सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड कर सकते हो। अगर आप मोर फंक्शंस पे जाते हो, तो इधर आपको फाइंड माई फोन, फाइंड माई वॉचेस वगैरह, और कैमरा कंट्रोल्स वगैरह, वेदर कंट्रोल्स वगैरह, फ्रिक्वेंट कॉन्टैक्ट्स वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाता है। इधर अगर मैं फ्रिक्वेंट कॉन्टैक्ट्स पे जाता हूँ, तो मैं इधर से अपना ऐड ऑप्शन पे जाके जो है कॉन्टैक्ट्स वगैरह सिंक कर देता हूँ। लेकिन एक चीज़ इसका यह है कि अगर ब्लूटूथ कॉलिंग आप यूज़ करते हैं, ब्लूटूथ से कॉल आता है अपने स्मार्ट वॉच को, देन आपको इधर अगर आप सिंक किए हैं, अगर नहीं भी किए हैं तो भी चलेगा, तो भी आपका जो नेम एंड नंबर है वो स्मार्ट वॉच पे शो करेगा, ठीक है। तो लास्टली अगर आपके स्मार्ट वॉच को आपको अनपेयर करना है, तो ऑब्वियसली इधर डिलीट डिवाइस का भी ऑप्शन मिल जाता है, इसको क्लिक करके आप जो है अनपेयर भी कर सकते हैं
स्मार्टफोन से, ठीक है। इधर और एक ट्रिक भी मैं बता देता हूँ, अगर आप रियलमी लिंक ऐप यूज़ नहीं करना चाहते, जैसे कि रियलमी लिंक ऐप जो है आपके लोकेशन को भी एक्सेस कर देता है, तो आपको मेनली क्या करना है ना, सिंपली एक बार सेटअप कर लेना है रियलमी लिंक ऐप के साथ, उसके बाद इसको अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। अनइंस्टॉल करने के बाद आप अपने स्मार्ट वॉच को अपने फ़ोन के थ्रू जो है ब्लूटूथ के संग जो है कनेक्ट रखिएगा, ताकि आप जो है ब्लूटूथ कॉलिंग वगैरह रिसीव एंड कर सको, ठीक है, कॉलिंग वगैरह यूज़ कर सको। उसके बाद आप अपने स्मार्टफोन को इजीली यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई ऐप का झंझट नहीं है, सिर्फ एक टाइम के लिए आपको सेटअप करना है। उसके बाद अगर आप अनइंस्टॉल करके ये चीज़ करते हो, तो ऑब्वियसली आप ब्लूटूथ कॉलिंग भी रिसीव कर सकते हो, एज वेल एज जो है वॉच को अच्छे से यूज़ भी कर सकते हो। एंड अभी थोड़ा वॉच के बारे में भी बात कर लेते हैं। वॉच में आपको सामने की तरफ 1.75 इंच का एमोलेड AOD डिस्प्ले दिया गया है। हालांकि इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है, आपको साइड में जो बॉडी पे मटेरियल मिलेगा प्लस बैक साइड जो मटेरियल मिलेगा वो पूरा प्लास्टिक का है। स्ट्रैप्स भी अच्छे क्वालिटी का है, लेकिन इनिशियली थोड़ा स्ट्रैप्स मुझे जो है पतला लगा है। हालांकि डिटेल से जो है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, रिव्यू पे बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सॉफ्टवेयर के ऊपर जाते हैं। तो ऊपर से अगर आप स्वाइप करते हैं तो ऑब्वियसली आपको कंट्रोल्स पैनल वगैरह मिल जाता है सब कुछ, ठीक है। इधर से आप ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल्स एंड जो है रेस्ट वेक ऑन ऑफ वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। DND भी एनेबल करने का इधर डायरेक्टली ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर मैं लेफ्ट से स्वाइप करता हूं तो इधर मुझे म्यूजिक कंट्रोल्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और होम स्क्रीन से मैं राइट से स्वाइप करता हूं तो मुझे जो है क्विक एक्टिविटीज का जो है सब कुछ रिकॉर्ड्स दिखा देता है, ठीक है। इधर से डायरेक्टली अगर मैं होम स्क्रीन से पावर बटन क्लिक करता हूं तो मुझे जो है क्विक एक्सेस मिल जाता है मेन्यू को। इधर से मैं एक्टिविटी कंट्रोल्स वगैरह अगर कर सकता हूं। अगर मैं फोन पे जाता हूं तो इधर मुझे जो है कॉल हिस्ट्री वगैरह दिख जाएगा, कॉन्टैक्ट्स वगैरह दिख जाएगा, प्लस जो है डायल पैड पे जाके मैं डायरेक्टली कुछ नंबर टाइप करके कॉल भी लगा सकता हूं, ठीक है। एंड इसमें जो है आपको वर्कआउट मोड्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, 10 से 15 जो है इनबिल्ट होगा। उसके बाद जो है आप मैन्युअली जो है रियलमी लिंक ऐप से जो है अलग वर्कआउट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मुझे SpO2, हार्ट रेट सेंसर और स्ट्रेस मॉनिटरिंग वगैरह, स्लीप मॉनिटरिंग वगैरह का क्विक ऑप्शन जो है देखने को मिल जाता है। इधर से मैं वर्कआउट रिकॉर्ड्स भी चेक कर सकता हूँ, जो जितने वर्कआउट मैंने प्रीवियसली किए हैं उसके बारे में। एंड इसमें जो है आपको ब्रीदिंग मोड भी देखने को मिल जाता है। उसके साथ ही आपको जो है अलार्म अगर सेट करना है तो अलार्म पे जाना है, सिंपली प्लस पे क्लिक करना है, उसके बाद अपने हिसाब से जो है आप अलार्म भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इधर से सिंपली आप वेदर्स पे भी क्लिक करके अपना सिटी का जो है वेदर भी चेक कर सकते हो, और इसके लिए आपको जो है अपने ऐप के साथ सिंक भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो एंड इधर मुझे जो है इवेंट रिमाइंडर वगैरह एंड जो है फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड इधर अगर आप टूल्स पे जाते हैं तो टूल्स पे आपको क्विक ऑप्शंस जो है मिल जाता है टाइमर सेट करने के लिए, और जो है फाइंड माइक फोन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, म्यूजिक कंट्रोल्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कैमरा कंट्रोल्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एंड जो है फ्लैश लाइट का भी ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो सिंपली अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं तो सेटिंग से आप जो है वॉच फेसेस भी चेंज कर सकते हैं, और इसमें डिफॉल्ट साइज से 5 वॉच फेसेस दिए गए हैं। एंड इधर से आप डायरेक्टली डिस्प्ले पे जाके जो है AOD भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, या फिर डिस्प्ले का ब्राइटनेस वगैरह हो गया, रेस टू वेक हो गया, या फिर टाइमिंग हो गया, स्क्रीन टाइम हो गया, वो भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप अगर AOD पे जाते हैं तो दो प्रकार के आपको AOD इधर मिल जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से डिजिटल या फिर एनालॉग AOD जो है सेट कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ बता दूँ, आउटडोर पे AOD का ब्राइटनेस एवरेज है, लेकिन हार्श सनलाइट अगर होता है तो AOD थोड़ा सा आपको वीक दिखाई देता है, ठीक है। एंड सेटिंग्स के थ्रू आप साउंड एंड वाइब्रेशन वगैरह DND वगैरह भी एनेबल कर सकते हैं, और भी तरह तरह के इसमें सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको अनबॉक्सिंग भी दिखाया, वॉच कैसे सेटअप करना है उसका भी दिखाया, एंड वॉच में जो सेटिंग्स वगैरह है या फिर UI का जो फीचर्स है उसका पूरा वॉक थ्रू दिया। तो ऑब्वियसली ये वीडियो मैं इसलिए बनाया ताकि जो बिगनर्स है, जो फर्स्ट टाइम के लिए इस स्मार्ट वॉच को जो है बाय करना चाहते हैं, उसको थोड़ा जो है फीचर्स के बारे में एंड जो है सेटअप के बारे में पता चल जाए। एंड इसका फुल रिव्यू वीडियो बहुत ही जल्द आएगा, ये वीडियो जब भी अपलोड होगा उसके नेक्स्ट दिन पे आ जाएगा। एंड मैं आपको और एक भी चीज़ बता दूँ, नॉइस इवॉल्व 3 भी मुझे बहुत ही जल्द डिलीवर होने वाला है, तो उसका भी वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ऑब्वियसली जो है सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।